10 और 11 दिसंबर को मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के पुरानी शिवपुरी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नव निर्मित मंदिर में होगा प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन। 4 दिसंबर को मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित अक्षय क्षेत्र सेसई मंदिर में हुआ वार्षिक मेले का समापन। 24 से 26 फरवरी के मध्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हरियाणा के अतिशय क्षेत्र आदिनाथपुरम रालीला में होगा भव्य स्वर्ण कलशारोहण एवं महामस्तिकाभिषेक महोत्सव। 19 दिसंबर को धार स्थित संकट मोचन श्री आहू पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में होगा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान एवं चंद्र प्रभु भगवान के जन कल्याणक महोत्सव एवं वार्षिक मेले का आयोजन। 21 से 30 दिसंबर के मध्य मुनि श्री वीरंजन सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगल गृह में होगा 131 मंडलीय श्री सिद्ध चक्र महाअर्चना का आयोजन। 10 से 15 दिसंबर के मध्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में ताज नगरी आगरा के राहुल विहार में होगा पंच कल्याणक महोत्सव। 11 दिसंबर को आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज सत्संग का पिछी परिवर्तन समारोह महाराष्ट्र के नासिक स्थित नमोकार तीर्थ क्षेत्र में होगा संपन्न। 15 से 20 जनवरी के मध्य गुजरात के सिद्ध क्षेत्र पालीताणा में होगा श्री मज्जनेन्द्र जिनबिम आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 8 दिसंबर को आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मदनपुरी के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मदनपुरी कॉलोनी का होगा 20वां स्थापना दिवस रथ यात्रा महोत्सव। 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर के गुणायतन की पावन धरा पर होगा भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह। 9 से 14 दिसंबर के मध्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में जबलपुर स्थित श्री पिसनहरी मणिया तीर्थ में होगा पंचकल्याणक। 3 दिसंबर को पिंडरई के नगर गौरव आचार्य श्री जयसागर जी महाराज सत्संग के मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुआ भव्य मंगल प्रवेश।